गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? यस, यू ऑल आर गुड। सो वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। बहुत दिन की छुट्टियां थी ना आपने। डिड यू एंजॉय ऑल द फेस्टिवल्स? मजा आया? आपका ऑटम ब्रेक था। ये कौन सा ब्रेक था बच्चों? ऑटम ब्रेक। आपको पता है कौन सा सीजन चल रहा है? पता है, बताओ। ऑटम सीजन। यस मैम, ने आपको पढ़ाया था ना ईवीएस में कि हमारे सीजन के नेम कराए थे, तो उस समय मैंने आपको ऑटम सीजन भी पढ़ाया था ना। तो ऑटम सीजन में क्या होता है बताओ? ऑटम सीजन में क्या होता है पता है? जो ट्रीज में, प्लांट्स में जो लीव्स होती है ना बच्चों, वो सारी क्या होती हैं? गिरने लगती हैं, सूख जाती हैं, है ना। और ये विंटर सीजन से पहले आता है ऑटम सीजन। आपको आजकल मॉर्निंग में या इवनिंग में थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है ना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रही है अभी, है ना। विंटर्स में तो बहुत ज्यादा होती है। हम पूरे दिन क्या पहनते हैं? जैकेट पहनते हैं, कैप पहनते हैं ना। लेकिन आजकल आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में हल्की सी ठंड लग रही है ना। और क्या होता है, लीव्स जो होती है ना ट्रीज की, प्लांट्स की, वो गिरने लगती है। आप नोटिस करना, आजकल सूखने लगती है वो। ठीक है बेटा, दिस सीजन इज कॉल्ड ऑटम सीजन। तो आपको कौन सा ब्रेक मिला था? ऑटम ब्रेक मिला था, है ना। तो आपने एंजॉय किया फेस्टिवल्स भी और साथ साथ पढ़ाई भी की होगी, है ना। तो आज की क्लास हम फिर से स्टार्ट करते हैं। विच डेट इज टूडे? यस, टूडे इज बेटा, टुडे इज 2nd नवंबर। ओके, आपको पता है अक्टूबर मंथ चला गया अब, है ना। अब नवंबर मंथ चल रहा है। ओके, सो टुडे इज डेट इज 2nd नवंबर 2020 एंड वेदर इज सनी। सो बेटा, आज मैम आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा बताने वाली है, आप सबको सुनना है, जानना है। तो बेटा, हमने इससे पहले ईवीएस में किसके बारे में जाना था? फेस्टिवल्स के बारे में जाना था, है ना। आई टोल्ड यू अबाउट सो मेनी फेस्टिवल्स, रिलीजियस एंड नेशनल, है ना। सो दिस मंथ आई विल टेल यू अबाउट एनिमल्स। किसके बारे में बताएगी मैम? एनिमल्स के बारे में। आपको पता है एनिमल्स क्या होते हैं? ए सेज एनिमल। यस, आपको एनिमल को हिंदी में बोलते हैं जानवर। क्या बोलते हैं? जानवर। तो इस मंथ की हमारी थीम है एनिमल्स अराउंड अस। हम जो अपने आसपास एनिमल्स देखते हैं ना, उनके बारे में आई विल टेल यू मैम, उनके बारे में आपको बताएगी, ठीक है। तो आप देखते हो अपने घर के आसपास भी आजकल इस सीजन में तो ज्यादा एनिमल्स दिखते हैं ना बेटा। विंटर्स में नहीं दिखते हैं क्योंकि उनको ठंड लगती है, वो छुप जाते हैं ना, इधर उधर चले जाते हैं। और आजकल का वेदर तो अच्छा है, तो आप देख सकते हैं अगर आपके आसपास ग्राउंड है, कोई खाली जगह है, तो वहां आपको बहुत सारे एनिमल्स दिख सकते हैं। कैटल्स दिख सकते हैं ना, घास खाते हुए दिखते हैं ना। तो बेटा, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स होते हैं, है ना। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, है ना, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, है ना। तो इन एनिमल्स के बारे में मैम आप इस मंथ हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज के क्लास में आई विल टेल यू अबाउट वाइल्ड एनिमल्स। किसके बारे में मैम बताएगी आपको? वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड? WILD, वाइल्ड मीन्स क्या होता है बताओ? वाइल्ड मीन्स जंगली। क्या होता है? जंगली। अब जंगली क्या होता है? आपने जंगल का नाम सुना है? जंगल क्या होता है पता है आपको? फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? जंगल। जहां पर क्या होता है, खूब सारे ट्रीज होते हैं, वहां पर कोई घर नहीं होता है ना बच्चों। तो वहां पर हम रहते नहीं है, है ना। तो वहां कौन रहते हैं? एनिमल्स रहते हैं, है ना। तो एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, कुछ एनिमल्स तो होते हैं जिनको हम घर में पालते हैं ना, आपको पता है, और उनके लिए हम क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। तो वो तो अलग बात है, उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज हम उसके बारे में सीख रहे हैं जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं, उनको बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। दोज एनिमल्स हु लिव इन द जंगल, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। क्या बोलते हैं उनको? वाइल्ड एनिमल्स। तो आप बता सकते हो कि कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नेम? कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ फ्यू वाइल्ड एनिमल्स? बताओ। यस, सबसे पहले, सबसे द किंग ऑफ द जंगल कौन होता है? लायन। यस, और बेयर। और बताओ, और कौन से होते हैं वाइल्ड एनिमल? टाइगर। यस, और डियर भी रहता है जंगल में, रहता है ना। तो बेटा, और कौन सा होता है? जिराफ भी वाइल्ड एनिमल होता है, जंगल में रहता है ना।
और कौन सा होता है बताओ? मंकी। यस, ट्रीज में रहते हैं ना मंकीज, तो ये भी वाइल्ड एनिमल होता है। ठीक है, तो जो एनिमल जंगल में रहते हैं उन एनिमल्स को हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क क्या है पता है? जितने एनिमल्स के नेम मैम ने आपको बताया ना, आप मुझे अदर देन दीज एनिमल्स, जो एनिमल्स मैंने आपको बताए हैं इनके अलावा, इनसे डिफरेंट जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं, उन एनिमल्स के नेम आज आप मुझे बताओगे, 5 एनिमल्स के। ओके, ठीक है ना, उन एनिमल्स के नेम आप मुझे बताओगे और ऑडियो में मैं आपको सेंड करोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।